स्नेहा किचन में आप सभी का स्वागत है। आज दिवाली है। दिवाली के अवसर पर मैं आपके लिए काजू एप्पल बनाने वाली हूँ। बहुत जल्दी बनता है और बहुत टेस्टी बनता है। आपने बाज़ार में भी देखा होगा, आप घर पे एक बार ट्राई करके देखिए। काजू एप्पल बनाने के लिए आपको सामग्री चाहिए। 1/2 कप काजू लिया है मैंने, उसको ग्राइंडर में पीस लिया है, पाउडर कर लिया है। 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/2 कप शुगर, तीनों एक ही क्वांटिटी के। क्लोव्स लिए लौंग डेकोरेशन करने के लिए। फूड कलर लिया है मैंने ऑरेंज, ऐसा केसर डेकोरेशन के लिए। और 1/4 कप मैंने पानी लिए और ब्रश लिए। सबसे पहले आप शक्कर डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। इसकी हमें चाशनी बनानी है, 1 तार की। इसे मीडियम आंच पे चाशनी को बनाना है, 1 तार बनाना है। अगर चाशनी आपकी शक्कर मैली हो तो उसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, तो आपकी चाशनी एकदम साफ़ बनेगी। अभी ये मेरी चाशनी आप देख सकते हैं, साफ़ ही है। अब आपकी 1 तार की चाशनी बन चुकी है। अब आप इसमें काजू डाल दीजिए। मिल्क पाउडर डाल दीजिए। अभी अच्छे से स्टर कीजिए, सब मिक्स हो जाना चाहिए। और मीडियम फ्लेम पे बनाइए। जब ये कढ़ाई से छूटने लगे तब इसे हम उतार लेंगे। अब ये बन चुका है, साइड छोड़ चुका है। फ्लेम बंद कर दीजिए। और मैंने काजू 1/2 कप मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहें तो 1 कप काजू ले सकते हैं। अब इसे हम रूम टेम्परेचर पे 5-10 मिनट ठंडा होने के लिए रखेंगे। थोड़ा हल्का सा गर्म रहना चाहिए, वार्म जैसा। अब आप देख सकते हैं ठंडा हो चुका है, वार्म है। अभी इसके हम बॉल्स बनाएंगे। इस तरह आपको बॉल बनाने हैं, ये साइज़ के। ऊपर से थोड़ा प्रेस कर दीजिए। अभी ये बॉल्स बन चुके हैं, इसे हम पेंट करेंगे। हल्का हल्का सा पेंट करना है। मैंने लाइट लिया है कलर, आप चाहें तो थोड़ा और डार्क कर सकते हैं। इसी तरह सभी को करना है। अब इसमें हम लौंग डालेंगे, बीच में प्रेस कर दीजिए। अब आपका काजू एप्पल बन चुका है। और दिवाली है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत टेस्टी लगेगा। बाहर से आप लाते हैं, महंगा पड़ता है। घर पे बनाइए, बहुत सस्ता और बहुत टेस्टी बनता है और जल्दी बनता है। हैप्पी दिवाली। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली। मेरे तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।